नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ का प्रैक्टिस सेट 40। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे जो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला फॉर्मूला है, अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो शॉर्ट फॉर्म में होता है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो, और टी मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। और दूसरा फॉर्मूला में अगर हमें अमाउंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 40 करने के लिए हमें ये दो जो फॉर्मूला है वो याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अगर हमें अमाउंट निकालना है तो पी प्लस इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट 9% कंपाउंड पर एनम, पीसीपीए का मतलब परसेंटेज कंपाउंड पर एनम फॉर 2 ईयर्स, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है वो आप यहाँ पे, ये जो 1500 क्या है, प्रिंसिपल है, तो 1500 ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। फंड एट, ये जो 9 पीसीपीए है क्या है, ये आर है, 9 पीसीपीए, और 2 ईयर्स मतलब ये क्या है, टाइम। ठीक है, 2 ईयर्स, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, अमाउंट हमें निकालना है। लेकिन हमने फॉर्मूले में देखा था कि अगर अमाउंट निकालना है तो हमें इंटरेस्ट पता होना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो P मतलब क्या, 1500 इंटू आर मीन्स 9 इंटू 2 अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 0000 कैंसिल, और अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 59 कितना होता है, 135 इंटू 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 5 10 कैरी आएगा, 2 3 6 17, 200 2 मीन्स 270। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 270। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है, मतलब 500 प्लस 270 मतलब कितना आएगा, 1770। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, द टोटल अमाउंट शी विल गेट, द टोटल अमाउंट गेट रुपीज 1770। ठीक है, तो ये हमने
पहला जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया है, अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की। इधर मैंने सेकंड क्वेश्चन भी लिख के रखा है, तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें देखते, देखिए क्या दिया है। जेठालाल टू हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10 PCPA फॉर 5 ईयर्स, व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो प्रिंसिपल क्या है, 2,50,000 रुपीज उससे क्या लिया, लोन लिया है बैंक से, जिसमें उसको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा, 10% फॉर 5 ईयर्स। लेकिन देखिए हमें क्या निकालना है, ईयरली निकालना है, मतलब एक साल का निकालना है, और फिर लास्ट में उसका अमाउंट भी बताना है कि उसको अमाउंट कितना देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। पी इज इक्वल टू 2,50,000 एंड आर मीन्स 10 PCPA एंड टाइम 5 ईयर्स। चलिए तो हम लोग करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो मैंने लिखा, लेकिन हमें क्या निकालना है, ईयरली निकालना है ना, तो यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे क्या लेंगे, 1। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मीन्स 2,50,000 एंड आर मीन्स 10 × 1 अपॉन 100। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, कितना आया, 25,000। ये क्या है, ईयरली है, ईयरली मतलब जो ईयरली इंटरेस्ट पूछा था ना वो है, ये है ईयरली इंटरेस्ट। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या निकालना है, ही मस्ट पे एंड द टोटल अमाउंट। अभी टोटल अमाउंट निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, जब हमें इंटरेस्ट पता रहेगा तब, और इंटरेस्ट कौन सा, 5 साल वाला। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, I1, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट निकाला था, तो इसको क्या लेंगे अभी, इंटरेस्ट 1 मतलब I1। पी इंटू आर इंटू टी, अभी यहाँ पे टाइम कितना लेंगे, 5 साल का। तो पी मीन्स 2,50,000 इंटू 10 × 5 अपॉन 100। 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन लैख 25,000। तो इंटरेस्ट कितना आया, 1,25,000। अभी हमें क्या निकालना था, यहाँ पे अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था, 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया, मीन्स इंटरेस्ट 1,25,000। हमें टोटल अमाउंट निकालना था, इसलिए 5 साल वाला ही इंटरेस्ट इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 0 0 5 7 3 3,75,000। ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट। अब देखिए ये ईयरली इंटरेस्ट, तो मैं लास्ट में आंसर जो है ना वो आप करके यहाँ पे लिख दीजिए, ईयरली इंटरेस्ट हमारे कितना आया, 25,000, और अमाउंट कितना आया है, 1 लैख, सॉरी 3,75,000। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने इधर लिख के रखा है, तो मैं इसे अब सॉल्व करती हूँ। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या दिया है। श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 ईयर्स एट 7 PCPA इन अ सेविंग बैंक अकाउंट, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब श्रीकांत ने पैसा डिपॉजिट किया कितना, 85,000 रुपीज 2.5 ईयर्स के लिए सेविंग बैंक में। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसमें बस ना हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट ओनली इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें अमाउंट नहीं निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है वो हम लिखते हैं। पी मीन्स 85,000 प्रिंसिपल एंड
ये क्या हमारा टाइम हो गया 2 एंड हाफ, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 4 4 1 5 अपॉन 2। उसके बाद से ये क्या दिया है आर आर 7 PCPA, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन, तो पी कितना है 85,000 इंटू आर कितना है 7 और टी कितना है 5 अपॉन 2 और यहाँ पे 100। अभी इसको देखें तो 0 0 0 0 कट जाएगा और मैं इसको काटूँ तो 2 1 2 और ये 2 4 8 2 2 4 2 5 10 ये आ गया 425 और इसका अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 29 into 5। अब फिर पूरा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14,875। तो आप लास्ट में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, द टोटल इंटरेस्ट, द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड इज इक्वल टू रुपीज 14,875। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3rd भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4th सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 4th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी 4th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज, वॉट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अभी आर नहीं दिया है तो आर हमें निकालना है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन दिया है मैं इसको क्या करूँगी यहाँ पे लिख लूंगी, गिवन आर तो हमें निकालना है, दिया ही नहीं है। टाइम कितना है 4 ईयर्स का और ये क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 रुपीज और ये देखिए प्रिंसिपल इज ये क्या है हमारा इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट है हमारा 1,200। क्वेश्चन अभी कर रहे थे ना तो करते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो हमने क्या किया यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए आर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिखती हूँ आई का इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे पी कितना है, सबसे पहले आई भी दिया है तो 1,200, पी कितना है 5,000 इंटू आर तो हमें पता नहीं है टी। ठीक है, यहाँ पे 100 तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 50 इंटू 4 बचा है तो हम जानते हैं ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इधर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 1,200 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4 इज इक्वल टू आर। तो अब देखते हैं इसको मैं काटती हूँ 4 4 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, फिर से कट जाएगा 0 0 कट जाएगा और 5 5 6 30 मीन्स आर इज इक्वल टू 6%। तो आर कितना आया यहाँ पे 6% आया। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज, अब 15,000 रुपीज पे हमारा इंटरेस्ट क्या होगा जिसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या आना चाहिए सेम ही रहना चाहिए और सेम पीरियड। ठीक है, तो ये देखिए मैं इधर ही इसके बाजू में करती हूँ, जिसमें प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 15,000 और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम एवरीथिंग, तो आर मतलब 6 और टी मीन्स 4। ठीक है, तो अभी देखिए इसका मैं इंटरेस्ट निकालूंगी तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100,
अब बताइए, पी मतलब 15,000, आर मीन्स 6 एंड टी 4, 0 0 0 0 कैंसल, और 15 6 90, 0 एक उतार लिया मैंने, अब यहाँ पे 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 00 3,600 रुपीस। तो इंटरेस्ट कितना आया, 3,600 रुपीस, ठीक है। तो ये हमने इसका इंटरेस्ट भी निकाल लिया। ये देखिए जो पूछा था कि व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीस, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीस इज कितना हो जाएगा, 3,600 रुपीस, ठीक है। तो ऐसे हमने हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब बारी है फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन की। चलिए ये देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसको मैं अभी सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये तो सबसे इजी है, ये आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, इफ पंकज डिपोजिट्स 150,000 रुपीज इन अ बैंक एट 10 PCPA फॉर 2 ईयर्स, वॉट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। हमें यहाँ पे अमाउंट भी निकालना है, लेकिन उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट। सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, ये देखिए प्रिंसिपल हमारा है 1,50,000, और जो आर है वो कितना है 10 PCPA एंड टाइम पीरियड कितना है 2। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P × R × T/100। अब यहाँ पे पी कितना है 1,50,000, आर 10 एंड टी 2, यहाँ पे 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 2 का कितना होता है 30, और 3 0 1 2 3, तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट 30,000। अभी हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो A इज इक्वल टू पी प्लस आई, पी कितना है 1,50,000 प्लस 30,000, तो कितना हो जाएगा हमारा 1,80,000। तो देखिए हमने अमाउंट भी यहाँ पे निकाल लिया। तो द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, ही विल गेट, सॉरी आंसर में करके आप क्या लिखेंगे, ही विल गेट रुपीज 1,80,000 फ्रॉम द बैंक, ठीक है। तो इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 40 को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो आई होप कि आपको सब वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक कर देना।